अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अभी तक जो सारे वीडियो मैं देख चुका हूँ, तो काफ़ी ग्रुप मैंने ज्वाइन किए इस हवाले से। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब कैरियर अगर हमें उससे मिल जाते हैं, ओनर ऑपरेटर एलएनजी के ग्रुप से मिल जाए मिसाल के तौर पर, तो लोड लोड ज्वाइन करने के लिए हमें एनसी या एनईसी चाहिए होती है, तो उसके बगैर मतलब फ्रेश बंदा किस तरह आगे जा सकता है? कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं जा सकता। यार वो मेरा दूसरा लैपटॉप अभी इधर नहीं है क्योंकि आज जो वर्किंग डे नहीं था ना, उसमें मैं आपको एक दिखाता। तरीकेकार तो मौजूद हैं, एक एक लोड बोर्ड है DOFT के नाम से, DOFT, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको नहीं चाहिए, वो है भी फ्री में ही है तकरीबन, आप समझे तो। लेकिन मसला उसका ये है ना कि अभी इस टाइम सबसे जो टॉप पे जा रहे हैं वो ट्रकर्स है, जो सॉरी ट्रक स्टॉप और ये DET1 जा रहे हैं ना। अब आप एक कोई लोड फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक बंदा है, क्रिश्चियन है, मैंने इसका नाम ही जो है ना PO वाला लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसका मुझे लोड फाइंड करना है, इसने मुझे कहा जी मैं अभी एलपासो टेक्सास में हूँ, ठीक है, और कहीं का भी मुझे लोड चाहिए। जी तो अब जितने ज़्यादा लोड इस पे आएंगे ना, ये आप चेक कर रहे हैं लिस्ट एक, अब मेरी मर्जी है इनमें से मैं किसके साथ क्या बात करता हूँ क्या होता है। तो आपको वो भी हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि भाई दूसरे लोड बोर्ड्स में और इनमें क्या फ़र्क है, क्योंकि मेरी तो कोई एफिलेशन तो है नहीं किसी के साथ। तो मैंने तो वो चीज़ आपको बतानी है जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है। ठीक है, तो ये सीन है इसका, वो उसके बगैर आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए या आपके पास FC नंबर होना चाहिए या LLC होनी चाहिए, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी और की MC यूज़ करें या किसी और का MC वो यूज़ करें। अब जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि किधर गया। अब मुझे एक और लोड बोर्ड है ना सेलेक्टस के नाम से, ठीक है, वो इसका लेना था। ठीक है, अब उसको मैंने कहा कि कैन आई यूज़ योर MC टू लॉग इन सेलेक्टस लोड बोर्ड एज इट हैज़ गुड लोड्स फॉर सेमी ट्रक्स और कार्गो वैन, बट एज अ डिस्पैचर आई नीड टू पुट योर MC फॉर साइनिंग इन। ठीक है, ये तो वो हमारी पिछली कन्वर्सेशन चल रही थी, तो उसने कहा जी मैं इस टाइम, उसने अपना जिप कोड भेजा कि मैं इस जगह पर हूँ। तो फिर आगे उसने डिमांड क्या कर दी, यू गिव मी एक्सेस टू, फिर तुम्हें मुझे भी एक्सेस देनी पड़ेगी उसकी। तो मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो जी नहीं मार सकता उसको, अपनी पे मैं करूँ एक्सेस उसको दे दूँ, वो खुद ही लोड ढूंढ करके वो करता रहे। तो मैंने उसे मैसेज कर दिया, आई विल डिस्कस विद माय बॉस, मेरा जो पार्टनर है, फिर उसके साथ मैं डिस्कस किया, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाले चक्कर भी है। तो सही आपको किसी न किसी दूसरे की, फिर आप किस जगह से हैं इस टाइम, कहाँ पर हैं? मैं जाऊँ सर पिशावर में? जी। पिशावर में कोई कंपनी वगैरह देख लेना, उनसे रابطہ कर ले, उनको कुछ ना कुछ परसेंटेज दे दीजिए का उनको यूज़ करने का सर आपका। काफी अभी इस जी मैं जो देख रहा हूँ तो ज्यादातर लाहौर से आ रहे हैं। तो भरा हुआ है ना यहाँ पे, आपको आसानी ये है ना कि एक तो कंपनीज काफ़ी सारी ऐसी हैं कि जो लाहौर में मौजूद हैं, फिर एक दूसरे की हेल्प आउट होती रहती है, किसी न किसी जगह आप फंसते हैं तो आपस में आपका कनेक्शन रहता है, फ़ोन पे वो कनेक्शन बन नहीं सकता। तीसरी चीज़ ये है कि आपको, जाहिर बात है जहाँ पे कंपनी ज़्यादा होंगी वहाँ पे ही आपको लोग भी इससे रिलेटेड ज़्यादा आसानी के साथ मिल जाएंगे, तो ये एक फ़ायदा है लाहौर का। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर सिटी में मौजूद हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ना ढूंढना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो एक और क्वेश्चन मैं कर लूँ, जी, जिस तरह यूएस के मार्केट के लिहाज से ये लोड बोर्ड हमें एक्सेस करने के लिए एनसी या एनईसी दरकार होती है, तो मैं देख रहा था जो यूएस के बाद सबसे बड़े मार्केट थे वो यूके हो गया और ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा। यूएस के बाद सेकंड मार्केट कनाडा की है, फिर यूके की है और साथ यूरोप की आ जाती है, लेकिन ये है कि सबसे बड़ी मार्केट इसी की है और सबसे अच्छा काम भी इसी में, USA में भी है। वरना तो देखें ये काम तो हर जगह पर है ना, लेकिन हम जिसको
वो करते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ यूएस से। और मेरे पास अभी एक लड़के की कॉल आई थी जिसका कैनेडियन एक्सपीरियंस है, वो कनाडा में करता रहा काफ़ी अर्सा काम, और मतलब कुछ उनके ट्रक्स यूएसए में भी जाते थे, लेकिन बात यह है कि वो टर्मिनोलॉजीज उनकी काफ़ी डिफरेंट हैं, उनका वर्क का तरीकाकार डिफरेंट है। इवन आप यहाँ पे काम करेंगे ना यूएसए में भी, बाज़ुकात आपको स्टेट टू स्टेट भी फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा काम का। लेकिन वो यानी कि ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप फुली इन हो जाएंगे वो साथ साथ आपको खुद ही समझ आती जाएगी, आपको ड्राइवर ही आधी चीज़ें समझा देगा कि क्या करना है कैसे करना है। यूएस की मार्केट ऐसी है ना यार, बड़ी मार्केट है, ठीक है, और मतलब इतनी ज़्यादा उसमें स्टेट्स हैं, सेचुरेशन का चांसेस नहीं है ना, ये चक्कर है। बाकियों का मैं उस तरह आइडिया नहीं है, मैं खुद रहा हूँ उधर फ्रांस में रहा हूँ, फ्रांस का थोड़ा सा मुझे आइडिया है, यूरोप का, लेकिन ये है कि वो यूके का नहीं है आइडिया, वहाँ कैसे, कैनेडियन आइडिया है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी इस लोड ये लोड बोर्ड भी सपोर्ट करता है ना कैनेडा को भी, अगर मैं इसको बिल्कुल ओपन कर दूँ, मैंने यहाँ पे तो इसकी खैर सेटिंग ऑन की हुई है जिसमें मैं इसको कैनेडियन लोड को नहीं देखता, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो मेरे पास अभी कैनेडा के लोड भी आना शुरू हो जाएंगे इसमें। लेकिन जी जो मतलब हम कनाडा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कनाडा फुल कवर नहीं करता, ये सिर्फ बॉर्डर्स के साथ साथ वाले जो आ रहे हैं ना, यानी कि जहाँ से गुजर के आप अलास्का जा सकते हैं वो वाले की कवर करता है। सही होगा बिल्कुल। बेसिकली ये लोड बोर्ड यूएस का है ना, तो वो यूएस को ही कवर करता है, लेकिन ये बीच में कुछ स्टेट्स को आप कह लेंगे उसमें तो प्रोविंसेस हैं, कुछ प्रोविंसेस को कवर करता है जिधर से जो रूट गुजर रहा होता है ना अलास्का जाने के लिए, तो उसको ये कवर कर रहा होता है। लेकिन बात ये है कि वो हमारे यूज़ में इसलिए नहीं है कि इन ट्रक्स को यहाँ मैनेज करना इतना मुश्किल है, तो कैनेडियन बॉर्डर क्रॉस करके कैनेडियन अथॉरिटी चाहिए, वो सारी एक नई खप में पड़ने वाली बात है। जी बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट्स सपोज के मुझे ट्रैकर तो एसपीजी उससे मिल गए, मतलब ओनर ऑपरेटर, जिस तरह आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उनको मतलब एग्रीमेंट लिया करने नहीं करने, वैसे ही आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको सिंगल लिया एक दो तीन वो होते हैं ट्रक होते हैं, तो एक उसके लिए जो हम एक लोग एक एक सेकंड यार, मुझे दो जरा ये लोड निकल जाने, जवाब दे नहीं रहा ड्राइवर। अच्छा दोबारा बोले क्या सर? लेट्स सपोज हमें ओनर ऑपरेटर मिल गए एफबी से, एफबी के हाँ ग्रुप से, उसने हाँ लोड भी मैनेज कर लिए, तो उसमें फैक्टरिंग कंपनी हम प्रोवाइड करेंगे या वो कैरियर प्रोवाइड करेंगे, मतलब कैरियर का काम है, मतलब कैरियर कैरियर के पास पहले से होनी चाहिए। अगर फर्ज करो जी। कैरियर के पास नहीं है, ठीक है, फर्ज करो कैरियर के पास नहीं है, तो फिर आपने लोड बोर्ड में से ये देखना है कि जो ब्रोकर आपको वो कर रहा है, जो ब्रोकर है उस वो आप जी उसके पास फैक्टरिंग है कि नहीं है, ठीक है। जो बड़ी ब्रोकरिंग कंपनी है ना, जो बड़ी कंपनीज है, उनके पास अपनी भी फैक्टरिंग है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये टिक के निशान, जी ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप फैक्टरिंग के बगैर करते हैं तो ये आ रहा है डे टू पेड, ठीक है, कितने दिनों में ये पे करता है, यानी अगर आप फैक्टरिंग के बगैर करेंगे ये 21 दिनों में कर रहा है, ये 23 दिनों में कर रहा है, उसके बाद ये 23 डेज में कर रहा है। नॉर्मली ये एक ही कंपनी के लोड्स हैं, अगर मैं इसको उसको सीक्वेंस में ले आऊं, ये देखें ये एक ही कंपनीज के आ रही हैं, अमेजोन का नया एक आया है और इसको देख लेते हैं कि ये क्या दे रहा है। तो ये अगर आप वो उसके पास नहीं भी है ना जी तो वो फिर जो है ना आपको वो कर देता है, अगर उसके पास नहीं भी है ना तो ये फिर आप यहाँ से देखते हैं कि इसके पास फैक्टरिंग होनी चाहिए, इस जो टिक के निशान वाले हैं ना, फिर आप खाली इन्हीं से बात करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मेरे कैरियर जिसको अभी मैं डील कर रहा हूँ उसके पास ये फैक्टरिंग है, तो मुझे अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे इसको परवाह नहीं है। तो अगर उसके पास कैरियर के पास नहीं है, फैक्टरिंग नहीं है, तो फिर ये वाली जो कंपनीज है जिनके टिक लगा हुआ है फैक्टरिंग पे, ये आपको प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी होती हैं, ठीक है, कुछ परसेंटेज ये ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं, तो ये भी आपको फैक्टरिंग प्रोवाइड कर देती हैं। जी जी बिल्कुल ओके हो गया। ये चक्कर है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। सर अरीबा है,
और मलिक शमरेस साहब की पीए हूँ, उनका इंटरनेट का कुछ इशू हो गया था सर, मुझे सिखा रहे हैं और वो फिजिकली भी क्लासेस ले रहे हैं आपकी, और अभी मैं भी कुछ सीखने के लिए, मतलब थोड़ी सी नॉलेज आपसे गेन करने के लिए यहाँ पे, मतलब जून की लिंक ज्वाइन किया है, तो सर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप इस्लामाबाद से हैं? नहीं, मैं लाहौर से हूँ अच्छा लाहौर और से। अच्छा ठीक है, समझ आ जी गई। ठीक है, यो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ठीक जी 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 बिल्कुल, उनके साथ ही होती हूँ। और अभी सर हमें भी खुद तो वो फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन मैं भी उनसे ही ये क्लास ले रही हूँ ठीक हो गया। तो अभी तक जी। आपने 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 कितनी आपकी लर्निंग हो चुकी है और क्या सीखा है आपने अभी तक का? अभी तो बिल्कुल मतलब जीरो है, ये समझ लें कि मैंने आज से स्टार्ट करना है अच्छा, अभी तक कुछ भी, बिल्कुल कुछ बेसिक भी नहीं नहीं पता कि अभी। मतलब ये काम है क्या और करते कैसे हैं। बेसिक पता है थोड़ा सा, मतलब आइडिया है कि आपने जो है वो लोड कहाँ से उठाना है, और हमने जो है वो उससे तो ट्रक आप बोले, अपना मैं जो है वो, सॉरी मैंने कहा आप बोले, मैं साथ साथ अपना काम भी कर रहा हूँ। तो नहीं नहीं श्योर श्योर जी। तो इसके अलावा जो है वो, मतलब हमने जो है वो जिनके पास ट्रक्स हैं उनसे कांटेक्ट करना है, और फिर जो है वो उधर से जहां से लोड उठाना है वो थोड़ा सा मुझे आइडिया है, कॉल कैसे करनी है ये थोड़ा सा आइडिया है, बहुत बेसिक बेसिक आइडिया है। बेसिक काम क्या है, डिस्पैचर ने करना क्या होता है? बस ये समझ लें कि मैं जीरो हूँ, डिस्पैचर ने तो बेसिकली हमने एज अ ब्रोकर काम करना है। नहीं, ब्रोकर के लिए तो आपको जो है ना, एक एक तो आपका यूएसए में होना जरूरी है, और दूसरा ये है कि ब्रोकर के लिए आपको 75,000 की मिनिमम इंश्योरेंस चाहिए, 75,000 डॉलर्स की, तब आप ब्रोकरिंग का काम कर सकते हो। नॉर्मली ब्रोकर जो हैं वो डिस्पैचिंग से जब अपग्रेड होते हैं ना, अगली स्टेज जो है डिस्पैचिंग की, तो वो ब्रोकरिंग है। तो ओके ब्रोकर्स टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है। तो अभी जो हम सेशन करा रहे हैं ना, ये अभी करा रहे हैं जिन जिन्होंने बेसिक कोर्स कर लिया हुआ है ना, तो ये उससे अगली अच्छा टाइप है ना, कि यानी कि जिन मैंने पहले 15 वीडियोज एक अपलोड की थी यूट्यूब पे, तो जिन लोगों ने वो कोर्स कर चुके हुए हैं, जिन्होंने वो वीडियोस देख ली हुई हैं, तो अब मैं उससे उससे यानी कि उसमें मैंने एक जस्ट ओवरव्यू दिया था कि ये लोड बोर्ड होता क्या है, डिस्पैचर क्या होता है, काम क्या होता है, डिस्पैचर का फायदा क्या है, क्यों डिस्पैचर को पे किया जा रहा होता है, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई। अब जो मैं सिखा रहा हूँ, अब मैं उनको प्रैक्टिकल वर्क दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहा हूँ कि मतलब किस आगे आगे चल के आपने करना क्या, अगर कॉल करनी है तो कैसे करनी है, कॉल्स के नियम्स क्या हैं, कॉल्स के में आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, उसके लिए जो आपको डायलर्स चाहिए वो कौन से चाहिए, कौन से बेस्ट हैं, किस पे आप काम कर सकते हैं, किस पे नहीं। अब लोड बोर्ड का मैंने एक तो ओवरव्यू दे दिया था कि आपके पास, आपने ये लोड बोर्ड है, इसको ऐसे यूज करना है, लेकिन अब आगे एग्जैक्ट किस तरह किस क्लाइंट के साथ बात करनी है, अब मैं आगे ये चीज चल के ना ये चीज सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वो लिंक मेरे पास है आपकी यूट्यूब चैनल का, और वो मैं वीडियोस आज से इंशाल्लाह स्टार्ट भी कर दूंगी। क्योंकि आज का सेशन मेरा जो है ना, वो इस तरह क्या कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी ना, आपको ये मेरा ख्याल है कि समझ नहीं आना, अगर आप स्टे करना चाहती हैं आपकी अपनी मर्जी है, तो ओके अप टू यू। सो कैन आई स्टे, मतलब या आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, बट नहीं नहीं मे बी ठीक आई है, कैन। मेरा काम था आपको बता देना कि असल में ये जो है ना, थोड़ा सा उससे नेक्स्ट सेशन है, तो ठीक है ठीक है उसके ठीक है ठीक इस वजह से जो है ना, फिर अभी मैं ठीक है, आप फिर माइक को म्यूट कर दें, मैं फिर अभी ये सेशन श्योर। प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ, आप सिर्फ सुनती रहें, अगर कोई चीज़ समझ आती है तो ठीक है, नहीं भी समझ आती तो आप मुझसे इसमें ना मैसेज, इसमें जो चैट वाला ऑप्शन है ना, इसमें मुझसे मैसेज कर लीजिएगा, मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। ठीक है ओके ओके नुमान, जी सर आपने मेरी वो वीडियोस देख ली है ना, असल में मेरा आज जो सेशन था वो ये था कि थोड़ा सा मैं आपको लाइव एक दफा बताऊं कि आप कैसे बात करते हैं ब्रोकर्स के साथ, कैसे आप आगे चलते हैं, ड्राइवर्स के साथ आप कैसे बात कर रहे होते हैं, तो इस बारे में मैं बताना चाह रहा था, अब इसको आगे लेके चलते हैं। बोलो। अब मेरे पास जो है ना, आज एक पावर ओनली ट्रक है, वैसे आज सैटरडे है, सैटरडे को लोग काम नहीं करते, लेकिन इसने खुद मैसेज किया कि भाई मुझे, मैं अल पासो टेक्सास में हूँ,
तो ये मैं आपको दोबारा से करके बता देता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है इस पे, ठीक है। मैंने बोल। यहाँ से आप मैंने सेलेक्ट किया है ओनली, ठीक है। पहले तो सबसे पहले मैंने किया न्यू लोड, उसके बाद मैंने आया हूँ इस पे, ये फिल्टर कैसे लगाना है आपने ताकि आपसे रेलिवेंट लोड ही इस पे आए। ओनली किया, ओनली में मैंने लिखा पावर ओनली, ठीक है, मेरे पास पावर ओनली है। और जगह लोकेशन लिखी, अब फर्ज करो इस पे कोई लोकेशन नहीं है, तो मैंने इस पे लिखा था 500 टैक्सेस, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो मैंने दिए हुए ना जोन, ये कौन से दिए हुए? बेसिकली इन्होंने पूरे यूएसए को ना, इन इन जो डीएटी वाले हैं, इन्होंने 9 जोन में कवर किया हुआ है। इन 9 जोन का मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये आपको ना वहाँ से मिल जाएगा, जो डीएटी की अपनी वेबसाइट है ना, उसमें से ये ले ले लीजिएगा। इसका लव्स लिखिएगा ना, डीएटी जिप जोन डायरेक्टरी, ये पेज आपके पास लाजमी होना चाहिए लोड बोर्ड यूज़ करते हुए। ये बड़ी आसानी आपको रहेगी। क्यों आसानी रहेगी? बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ इन स्टेट्स के लोड तलाश करने हैं, तो बजाय इसके कि आप इनके मुख्तलिफ फिल्टर्स लगाते जाएं, हर दफ़ा नए लोड पोस्ट करते रहें, आप सिर्फ Z0 लिखेंगे ना, इन सारी जगहों के लोड आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनके लिखने हैं तो Z1 लिख देंगे, तो जिस जगह का आपने लोड देखना है तो वो आपको आ जाएंगे। इसी तरह देखें, अगर आपने कनाडा और मेक्सिको के लोड देखने हैं, तो ये उसका भी जिप कोड दिए हुए हैं, आपको वहाँ से रिलेटेड आना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे अब इसने कहा कि जो मेरा ड्राइवर है, कि मुझे अल्पासो टेक्सास से कहीं भी जाना है। तो मैंने क्या किया, बजाय इसके कि एक एक ओपन सर्च करो ना, तो ओपन सर्च बड़ी रैंडम सी, मतलब मज़े की नहीं आ रही होती मुझे, वो अच्छा खुद नहीं। वो भी आप कर सकते हैं कि मतलब जैसे लोड बोर्ड है ना, एक मिनट, जी मैं समझ गया। ये लोड बोर्ड है ना, अब जैसे लोड बोर्ड है ना, अगर इसमें मैं कुछ भी ना लिखूं ना, फिर भी मेरे पास लोड आ जाएंगे। लेकिन अब उसमें क्या है कि बहुत बेहंगम एक स्टाइल आ रहा होगा ना, तो बजाय इसके कि मैंने क्या किया है, मैंने इस तरह किया कि मैंने इसमें ना Z02 Z9 सारे जोन डाल दिए बीच में, ताकि इसमें कनाडा कवर ना हो या बाकी वो ना। हाल तो मैंने वो फिल्टर इधर भी लगाया, सेटिंग में भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। अब सारी स्टेट्स जुबानी तो याद है नहीं, फिर वो पता चलता है, गूगल करने पे पता चलता है यार ये तो कैनेडियन बॉर्डर पे है। तो मैंने क्या किया, उसको लिमिटेड कर दिया, उसको जोन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। डेट आज की डाली है। अब पावर ओनली का आपको पता है क्या चीज़ होती है? पावर ओनली कौन सी टाइप है ट्रक की? जी मैंने नोट किया है अपने साथ, नोट्स लेके, लेकिन याद अभी नहीं है स्पेसिफिक। ये भाईजान, जो टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो है ना, और एक जो टाइप ऑफ इक्विपमेंट वाली वीडियो है, ये आपको ना रटा जब तक इसका नहीं लगा होगा ना सही वाला, तब तक आप आगे इस पे चल ही नहीं सकते। क्योंकि जो भी आप क्लाइंट से बात करेंगे जी जिस, पावर ठीक है, पावर ओनली जो मतलब सिर्फ वो आगे वाला हिस्सा होता है, पीछे मतलब जिस तरह ज्यादातर ये अमेज़न वाले और ये ये अभी आप देख रहे हैं, कैसे ये भी जो है ना, इसने भी कहा है कि मस्ट हैव अमेजोन रिले, ये भी किसने चलाया हुआ है? amazon.com ने। नजर आ रही है ना स्क्रीन आपको? तो ये चक्कर है सारा, ठीक है। तो मुझे उसके लिए अभी लोड फाइंड करना था। अब लोड मुझे एक पसंद आया हुआ है, वो उसको मैंने भेजा हुआ है। कौन सा भेजा हुआ है उसको? उसको ये अमेजोन वाला तो नहीं, लेकिन ये वाला मैंने उसको भेजा हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है जी टेक्सास टू शर्मन टेक्सास। इसके अच्छे पे कर रहा है। क्यों अच्छे पे कर रहा है? क्योंकि सिर्फ 694 माइल डिस्टेंस है, और इसके पे कर रहा है वो 900 पे कर रहा है। तो ये वाला लोड मुझे पसंद आया हुआ है, लेकिन अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं उसे या तो एक कॉल करके पूछ लूँ ये क्या चाह रहा है, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा। 1 मिनट, मैं ये चेक कर लूँ कि लोड ये जिसको मैंने बोला हुआ है अवेलेबल भी है कि चला गया। वो लोड खत्म हो गया मेरे ख्याल है, नहीं है ना, ये है।
एक सेकंड, एक मैं लाइव कॉल भी करता हूँ अगर इसे पिक कर लिया आपके सामने, ताकि आपको आइडिया हो गया कैसे है। बीच में आप माइक बंद कर देना अपना। ठीक है। Sorry, but the person you called has a voicemail box that has not been set up yet. बिजी Goodbye. बिजी है। चलो देखते हैं, तो फिर देखते हैं। ये आगे से वॉइस मशीन नॉर्मली लगाई, ये लोड मुझे पसंद आ रहा है, इससे मैं नेगोशिएट और कर सकता हूँ। अभी मेरे इससे नेगोशिएशन नहीं हुई, तो इसने $900 बोले, लेकिन अगर अभी ये उठाता है तो फिर मैं आगे इससे बात करता हूँ। तो चले अब, क्योंकि पावर ऑनली का कोई वो तो होता नहीं है कि मतलब फुल है पार्शल है, लेकिन मैं नॉर्मली क्या मेरी आदत बनी है, मैं इस पे ना बोथ लगा देता हूँ, मतलब ना फुल ना पार्शल, बोथ। ऑल दो पावर ओनली के केस में इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, ये मतलब बिल्कुल ये बेकार बात है, क्योंकि पावर ओनली को तो यही नहीं पता ना उसके पीछे होना क्या है, अभी नेक्स्ट आना क्या है। अब जैसे ये कह रहा है कि ये वाला बंदा जो आपको, जिससे अभी मेरी थोड़ी देर पहले आपके लाइव सेशन से पहले ना इससे मेरी बात भी हुई थी ब्रोकर से, तो ये वाला बंदा कह रहा है कि इसके पास 53 फीट ड्राइव वैन है पीछे, यानी उसका पावर ऑनली होगा और इसका पीछे जो ट्रेलर है वो ड्राइव वैन का ट्रेलर है। तो इस पे अभी इसको मैंने बात करनी है कि ड्राइव वैन का वो ट्रेलर है, ये तो मैं $900 दे रहा है इस जगह से इस जगह तक पहुंचाना है, तो फिर आगे हम उससे रेट कंफर्मेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कोई लेंथ भी नहीं होती, लेंथ नहीं पता कि अभी क्या है उसको मिलना है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं आप डाल सकते, इसी तरह वजन में भी आप कुछ नहीं डाल सकते अभी। बाकी 24 का मतलब ये है कि 24 घंटे के दौरान जो जो लोड पोस्ट हुए हुए हैं वो आ जाएं, तो ये इस तरीके से मैंने इसको वो किया हुआ। तो अब इसको मैंने कर लिया सर्च। इसी तरीके से आप मल्टीपल लोड भी डाल सकते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा आपके पास ट्रक्स हैं, आप इसको न्यू सर्च करेंगे, आपने जो भी डालना है, फॉर एग्जांपल अब ये तो पीओ का यहाँ पे सेट हुआ हुआ है, लेकिन अगर मैंने वैन का डालना होता, मैं यहाँ पे वैन का लिखता, उसकी जो डेस्टिनेशन है और ये वो सारा इसकी डिटेल लिख के यहाँ पे मैं एक वैसे करके आपको बता देता हूँ कि कैसे मतलब करना है। अब इसकी जगह हम लिख देते हैं वैन का। ठीक है, वैन का लिख लिया, वैन का ओरिजिन अभी इसका ये आ रहा है, हम उसे कहते हैं जर्सी सिटी है, NJ2 हमने जाना है न्यूयॉर्क कर लेते हैं। ठीक है, अब वैन का जो इस पे भी हम लिख देते हैं बोथ डेड एड ओरिजिन और डेड एड डेस्टिनेशन का पता है आपको, जी बिल्कुल। तो ये मैं नॉर्मली 150 रखता हूँ। ठीक है, 150 पे जाता कोई नहीं है, लेकिन मतलब नॉर्मली मैं 150 रखता हूँ। ड्राइव वैन है हमारे पास 53 फीट की, और इस पे जो हमारा वज़न आ रहा है वो आ रहा है 40,000 का या 30,000 ले, तो जो भी वो बता देगा, जो ड्राइवर होता है ना वो बता देता है कि वो कितना वज़न लेके जाने के काबिल है। ठीक है, अब इसी तरीके से जितने आपके पास ट्रक होंगे आप उनके आज सैटरडे नो नो लोड फ्रॉम NJ2। ठीक है, आज कोई लोड इसका है ही नहीं, इसको अगर ओपन करते हैं तो फिर क्या आता है, लेट्स सी। ओपन किया तो फिर आ गया हमारे पास काफी सारे। ठीक है, अब ये देखा, ये कनेक्टर नहीं, ये तो नहीं ऊपर वाला, सॉरी तो आपको कुछ लोगों ने रेट साथ दिया हुआ है, कुछ लोगों ने रेट साथ नहीं दिया हुआ, जिन्होंने रेट साथ नहीं दिया हुआ आप उनसे पता कर सकते हैं, रेट रेट उनसे लेके आप चेक कर सकते हैं कि रेट क्या है। ठीक है, तो ये इस तरह अभी जितने आप इसको क्लिक करेंगे आपकी विंडो छोटी हो जाएगी। अब इसी तरीके से फर्ज करो आपके पास 5 ट्रक्स हैं, तो आपने इसी तरह विंडो यहाँ पे पाइल अप करते जाना है, और जिसका जो जो लोड आपको अच्छा लगे वो देख लें। आप अगर आप यहाँ पे रेट पे क्लिक करेंगे ना, तो जितने अभी रेट्स आ रहे हैं ना वो आपको सारे के सारे यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे, रेट मतलब रेट वाले एक साइड पर आ जाएंगे, रेट बगैर वाले दूसरी साइड। अब फॉर एग्जाम्पल अभी तो मेरे पास आज वैन नहीं है,
क्योंकि सैटरडे को वो मेरे ड्राइवर काम नहीं कर रहे। लेकिन हाँ फॉर एग्जाम्पल आज अगर मेरे पास वैन होती तो ये मेरे पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शन था कि 704 और 153 ये तकरीबन बन जाता है 857। 857 का ये 1900 पे कर रहा है, यानी $2 से भी ज़्यादा पे कर रहा है। तो मेरे लिए ये अच्छी कंडीशन है, ठीक है, मैं इसको फ़ौरन बुक कर लेता। लेकिन अभी क्योंकि मुझे किसका देखना है एक्चुअल में किसका, इसको मैं फिर डिलीट करता हूँ। मुझे इसका देखना है तो मैं इसी पे ही फोकस करता हूँ। लेकिन क्योंकि ड्राइवर मेरा कहीं सो चुका हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है, तो मेरा दिल था कि ये लाइव सेशन में मैं उसको भी कॉल पे ले आता, तो ये चक्कर है। और आपका कोई इससे रिलेटेड कोई और सवाल है? ये डेस्टिनेशन में सब आपकी आवाज नुमान बहुत फिर उस तरह आ रही है। रेड हेड डेस्टिनेशन है सर, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ ये इसलिए नहीं लिखा हुआ ना कि देखें अब जोन ही इतने सारे डाल दिए हैं, तो उसका डेड डेड क्या आएगा, किससे वो कंपेयर करे? अगर मैंने एक डाला होता ना, कोई एक सिटी डाली होती उससे तो वो कंपेयर कर सकता था, लेकिन अब मैंने डाल ही इतने सारे दिए हैं, वो किस किस से क्या क्या कंपेयर करे? वो पागल ही हो जाएगा सॉफ्टवेयर वैसे ही। जी, और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? पारिया नुमान, आप माइक बंद कर दें। जी फारिया, आपका कोई क्वेश्चन है? सर, हाउ बिगनर कैन लर्न दिस प्रोसीजर? जी, वो मैंने आप एक वीडियो सीरीज पूरी मैंने वो की हुई है, लगाई हुई है यूट्यूब पे, तो उस पर आप देखें। बिगनर्स के लिए मैंने 15 वीडियोस में ही सारा कोर्स कवर किया हुआ है, तो वो आप देखें। उसके बाद की ये सेशंस भी मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैं प्रैक्टिकली काम करके और वो बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको जो है ना आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए वो वीडियोस हैं जो कि मैंने 15 वीडियोस जो है ना अपलोड की हुई हैं, वो आप देखें पहले, फिर उसके बाद ये वाली चीज़ें आपको समझ आएंगी। नुमान, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका? जी सर, ये जो लोड बोर्ड जो आपने लोड बोर्ड ओपन किया है, इसमें कॉलिंग की ऑप्शन अवेलेबल होती है कि नहीं, वो नहीं, हमें खुद से करना वो खुद से अलग से लेना पड़ता है। जी? और चेक का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, क्या चीज़? चेक का नहीं समझ आ रही क्या? मैसेज मैसेजेस, हाँ ये देखे ना, मैं मैसेजेस इसको कर रहा हूँ ना, ये मैसेज ही तो किया है कि भाई अगर आप इसको ये तस्वीर भी भेजिए, MMS भी चला जाता है इससे, इसको ये तस्वीर भेजिए कि यहाँ से यहाँ तक है, मस्ट हैव अमेजोन रिले, ये अमेजोन रिले ऐप ऐप है, ठीक है, और अगर ये है आपके पास, इफ एग्री देन आई कैन आस्क फॉर द पेमेंट, कि मैं उससे पूछ सकता हूँ कि कितनी पेमेंट कर रहा है। तो ये मैसेज ही किया हुआ है आपके सामने, नज़र आ रही है ये स्क्रीन? हेलो, ये नजर आ रही है बिल्कुल। और इसके अलावा कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मेरे ख्याल में अगर नुमान और कोई क्वेश्चन है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं बंद करता हूँ इसको। क्या इसमें से कोई वो देते हैं, मतलब 1 month फ्री ट्रायल या 1 week? ये DAT देते हैं ना, 1 month फ्री ट्रायल देता है, लेकिन उसके लिए वो LLC यूज़ नहीं होनी चाहिए ना। नई LLC हो तो उस पर देता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरी LLC है, वो यूज़ हो चुकी हुई है, तो इस पर ये 1 month ट्रायल नहीं देता। एलएलसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज के आईओ सिस्टम फ्रेंड एमबीए पे, तो उससे लास्ट एलएलसी पे कितना कम आता है, वही समझ, है क्या? दोबारा दोबारा करें क्वेश्चन। आपकी आवाज़ असल में बहुत गूंज रही है, शोर बहुत ज़्यादा सा आ रहा है ना, समझ नहीं आ रही आपकी आवाज़। मेरे को जानने वाले हैं, तो वो ये एलएलसी क्रिएट करने में मेरी क्या
और वो मतलब यूज करके यार अगर किसी का ना एक एक कंपनी बनी हुई है ना, एक कंपनी के अंडर वो मल्टीपल एलएलसी क्रिएट कर सकता है, अगर खुद बंदा यूएसए में है, ठीक है, तो वो एक तो एक दिन में बन जाती है, ऊपर से उनको प्रोसीजर पता होता है, कॉस्ट उनको ज़्यादा नहीं आती। एक्चुअल एलएलसी की कॉस्ट आप देखें ना तो मेरे ख्याल है 200-250 डॉलर ही है, लेकिन कंपनीज आपसे ज़्यादा चार्ज इसलिए कर रही होती हैं क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है सर्विसेज के माध्यम में, और ये चीज़ें आपको खुद नहीं आती होती तो वो करके दे रहे होते हैं, और डेफिनेटली जब आप खुद पंगा करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं, तो इस वजह से कंपनीज आपसे डबल चार्ज कर रही होती हैं, बल्कि बाज़ डबल से भी ज़्यादा चार्ज कर रही होती हैं। तो होता ये है कि अगर आपका कोई यूएसए में है जिसकी अपनी कंपनी है, कोई एक कंपनी के अंडर ना मुख्तलिफ सब कंपनीज बन सकती हैं, और उसमें क्रिएशन में टाइम भी कम लगता है, एक दिन लगता है। अगर अदरवाइज आप पाकिस्तान से बैठ के बनाएंगे ना नई एलएलसी बनाएंगे, एक तो पैसे भी आपके ज़्यादा चार्ज होंगे, जिस कंपनी से बनवाएंगे वो भी अपना कमीशन चार्ज करेगी, और फिर उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो लेकिन ये है कि वो फिर चीज़ उसके अंडर रहेगी, कंपनी भी उसी की होगी और अकाउंट्स भी उसी की होंगे, ये चीज़ देख लें कि बंदा फिर ऐसा होना चाहिए कि ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ये ना हो कि कल को आप जब लाखों कमाने वाली पोजीशन में आए तो वो उसके बाद कहे टाटा बाय बाय। और सर लास्ट में एक सजेशन है कि मतलब इस तरह संडे के दिन जब ये क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है तो उसको पहले से मतलब अनाउंस यार असल में ना, किया यार असल में टाइम का बिल्कुल समझ नहीं आ रही ना, असल में टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, तो ये वाली चीज़ के पहले से बता के रखना ना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि बाज़ अवकात आप देखें अभी अगर मैं आया हूँ, अगर बुक होना हो तो अगर उसको ये पसंद आ जाता है, ये बुक होना हो तो ये 5 मिनट की गेम भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे वो रिप्लाई नहीं कर रहा, वो नहीं कर, हो सकता है हमें 2 घंटे और वेट करना पड़े, जब 2 घंटे बाद हम इसको कॉल बैक करें ब्रोकर को तो पता चलेगा ये लोड तो बुक हो चुका हुआ है, फिर एक नई ख्वारी शुरू हो जाएगी, नया लोड ढूंढो, नए उसके सजेशन हो। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इस पे टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा होता है, टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा होता है कि जिन लोगों ने अभी इस पे वो नहीं दिए हुए रेट नहीं दिए हुए, सबसे बड़ी खप ये है कि इनको या तो किसी ने, अब ये देखो इसने फ़ोन नंबर भी नहीं दिया हुआ, अब आपने इसको ईमेल करनी है, फिर उस ईमेल का वेट करना है, फिर ये प्राइस बताएगा, जब तक ये प्राइस नहीं बताएगा तब तक आप अपने ड्राइवर को बोल ही नहीं सकते कि यार यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, वो पूछेगा क्या चीज़ क्या है आगे, प्राइस कितनी है पहले, यानी कि आपकी ब्रोकर से एक दफ़ा बात होना ज़रूरी है, तब जाके आप उसको वो कर सकते हैं, लाइन पे ले सकते हैं, ठीक है, ये चक्कर है, इस वजह से इस पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब लग के आपकी करने को 5 मिनट में भी हो जाते हैं ना, होने को 6-6 घंटे भी लग जाते हैं एक ही लोड पे, कभी उसको पसंद नहीं आ रहा होता, कभी क्या नहीं, अभी इस पे ये देखे ना, इसको मैंने अभी तक के 3 लोड बता चुका हूँ, ठीक है, आज की डेट में भी, अब ये मैंने इसको बताया कि ये एल पासो टू सैन एंटोनियो तक का टैक्सेस में ही $700 पे कर रहा है, इसने कहा नहीं यार ये बहुत कम पे कर रहा है, ठीक है, अब उसके बाद इसको मैंने तकरीबन इतने ही डिस्टेंस का मैंने $900 भी बता दी, लेकिन अब वो भाईजान सो चुके हुए हैं या क्या किया हुआ है, जवाब ही नहीं आ रहा, ठीक है, उसको कॉल भी मैंने की है लेकिन नहीं जवाब दे रहा, तो वो जब जवाब देगा उसकी मर्जी होगी, जागेगा तो फिर पता चलेगा, या तो निकल चुका है लोड लेके या क्या है, तो फिर पता चलेगा, इस तरह की इसमें ख्वारियां हैं, यानी कि अगर आपने 5 ट्रक्स मैनेज करने हैं ना फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास 10 ट्रक होने चाहिए तब आप 5 को मैनेज कर सकते हो। आइडिया है मुझे अमेज़न मैनेज करने का तो मैं समझ सकता हूँ। तो ये चक्कर है, ठीक है, इसको फिर मेरा ख्याल है और कोई नहीं है क्वेश्चंस वगैरह किसी के, तो फिर इसको मैं बंद करता हूँ सेशन को, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।